नमस्कार दोस्तों, नौकरी क्रैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी में अभी तक कितने फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, और अभी तक टोटल कितने वैकेंसी है और एक सीट पे कितना फाइट होने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा बताने वाला हूँ। और लास्ट में दोस्तों आपको सेफ जोन के बारे में भी बताऊँगा और डेंजर जोन के भी बारे में बताऊँगा कि कौन सा डेंजर जोन होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको आरआरबी वाइज और आरआरसी वाइज दोनों वाइज बताने वाला हूँ। मैं गूगल में सर्च करके ये मैं लिखा हूँ कि भुवनेश्वर कौन सा आरआरसी में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में टोटल फॉर्म अभी 2,05,826 फिलअप किए जा चुके हैं और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2,555 है, और यहाँ पे एक सीट पे लगभग 80 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। इसके बाद आगे देख सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे SDLW इलाहाबाद, ये इलाहाबाद में आता है। तो यहाँ पे टोटल फॉर्म आप देख सकते हैं 5,03,578 फिलअप किए जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 4,730 है और यहाँ पे एक सीट पे 106 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। अगला देख सकते हैं आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जोन में आता है और ये यहाँ पे टोटल फॉर्म होता है 2,68,636 फिलअप किया जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 3,563 है और यहाँ पे एक सीट पे 75 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। और नेक्स्ट देख सकते हैं सौथर्न रेलवे एंड ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये चेन्नई आरआरसी में आता है। तो यहाँ पे टोटल फॉर्म देख सकते हैं 5,52,856 अभी तक फिलअप किए जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका 9,579 है और यहाँ पे फाइट एक सीट पे 57 होने वाला है, 57 फाइट होने वाले एक सीट पे। दोस्तों ये सारा डाटा मैं अच्छे से कलेक्ट किया हूँ, दोस्तों ये पूरा एकदम करेक्ट डाटा है, अभी का डाटा है दोस्तों। और मैं आरआरसी आरआरबी दोनों वाइज इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में कन्फ्यूजन ज़रा से भी ना हो। मैं इसे गूगल में सर्च करके ही यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे एंड RWF, तो वहाँ ये हुबली में आता है और हुबली में अभी तक टोटल फॉर्म 3,19,800 फिलअप किया जा चुके हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी 7,164 है और एक सीट पे लगभग 44 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। अब अगला देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये बिलासपुर में आता है और टोटल फॉर्म यहाँ पे 1,89,274 जो 274 फिलअप किया जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1,664 यानी 1,664 है और यहाँ पे एक सीट पे लगभग बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, 113। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ये बिलासपुर जोन में आता है। यहाँ पे टोटल फॉर्म 1,89,274 फिलअप किया जा चुके हैं, ये दोबारा हो गया। यहाँ पे अगला देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे CLW और मेट्रो ये कोलकाता में आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल फॉर्म 5,42,133 फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 10,873 है और यहाँ पे एक सीट पे 49 लोग फाइट करने वाले हैं। अगला देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये कोलकाता और रांची RRB कोलकाता और RRB रांची में आता है। यहाँ पे टोटल फॉर्म 2,03,271 फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी 4,914 है और एक सीट पे 53 लोग फाइट करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद और मुंबई आता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। यहाँ पे टोटल फॉर्म 4,18,789 फिलअप किया जा चुके हैं और यहाँ टोटल वैकेंसी 10,434 है। यहाँ पे एक सीट पे लगभग बहुत कम कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, 38। और यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे मुंबई में आता है, सेंट्रल मुंबई। यहाँ पे टोटल फॉर्म 4,83,388 फिलअप किया जा चुके हैं, भरे जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी लगभग 9,348 है और यहाँ पे एक सीट पे लगभग 51 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे MCF और RDSO, ये गोरखपुर में आता है। यहाँ पे टोटल फॉर्म 3,12,358 फिलअप किया जा चुके हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी 4,002 है और यहाँ पे एक सीट पे 78 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में आता है। यहाँ पे टोटल फॉर्म 3,04,468 फिलअप किया जा चुके हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी
19 है, यहाँ पे एक सीट पे 75 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं नॉर्थन रेलवे जो दिल्ली में आता है, दिल्ली को ही नॉर्थन रेलवे बोलते हैं। यहाँ पे टोटल फॉर्म 8,27,781 फिलअप किए जा चुके हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है 13,153 है, सारे RRC से यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे एक सीट पे लगभग 62 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। और नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे जयपुर में आता है। यहाँ टोटल फॉर्म 5,33,356 फिलअप किया जा चुके हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी 5,249 है, यहाँ पे एक कैंडिडेट पे 101 लोग फाइट करने वाले हैं। दोस्तों आपको इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कल भी परसों भी वीडियो बनाने वाला हूँ। कल के डेट पे कितने फॉर्म भरे जाएंगे, परसों कितने डेट भरे जाएंगे, और जब तक 12 तारीख तक मैं बनाऊंगा कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। अगर आप आज नहीं भरना चाहते तो कल भर सकते हैं, परसों भर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। लास्ट में अभी आपको सेफ जोन भी बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे जो सिकंदराबाद में आता है, यहाँ पे टोटल फॉर्म 5,83,901 फिलअप किया जा चुके हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी 9,328 है, यहाँ पे एक सीट पे 62 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। आप नेक्स्ट देख सकते हैं नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे जो गुवाहाटी में आता है, यहाँ टोटल फॉर्म 1,98,703 फिलअप किया जा चुके हैं। टोटल वैकेंसी बहुत कम है, 2,894, यहाँ पे फाइट ज़्यादा नहीं होने वाला है, 68 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपके लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम फाइट होने वाले जोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम कहाँ पे फॉर्म भरे जा चुके हैं और सबसे कम फाइट, सबसे कम कंपटीशन कहाँ होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद मुंबई जोन जो वेस्टर्न रेलवे में आता है, यहाँ पे 38 एक सीट पे फाइट होने वाला है जो सबसे कम है। उसके बाद आप हुबली देख सकते हैं, हुबली में 44 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट करने वाले हैं। उसके बाद प्योरली कोलकाता में देख सकते हैं जो ईस्टर्न रेलवे में आता है मेट्रो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं साउथर्न ईस्टर्न रेलवे जो रांची और कोलकाता दोनों RRB मिला के आता है, यहाँ पे 53 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट करने वाले हैं। और उसके बाद सेंट्रल मुंबई जो प्योरली मुंबई में आता है जो 51 कैंडिडेट इसमें फाइट करने वाले हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं डेंजर जोन के बारे में, सबसे डेंजर जोन अभी तक का बिलासपुर है जो 113 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। उसके बाद इलाहाबाद है 106 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। उसके बाद जयपुर है 101 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। उसके बाद भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में 80 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। उसके बाद गोरखपुर में लगभग 78 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं जो अभी तक का सबसे डेंजर जोन है दोस्तों। लेकिन आप इस बात को लेकर मत चलिए कि अभी तक डेंजर जोन ये है और सेफ जोन ये है, आने वाले समय में दोस्तों जो डेंजर जोन है वो सेफ जोन हो जाएगा और जो सेफ जोन है डेंजर जोन, ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो जो सेफ जोन है जिसमें कम फॉर्म भरे जा चुके हैं सबको हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो सारे कैंडिडेट लास्ट में 12 तारीख तक लास्ट में उसी में भरते हैं, तो कि यूट्यूब के चलते ही किसी एक RRC एक RRB में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चला जाता है दोस्तों। इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें दोस्तों, आप अपने जोन से ही भरिए। और दोस्तों आप फॉर्म भरने से पहले आप एक फेक रजिस्ट्रेशन करके देख लीजिए कि कितना फॉर्म वहाँ तक फिलअप किए जा चुके हैं। आप मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को रजिस्टर ना कीजिए जो आप देना चाहते हैं आप ओरिजिनल वाले में, आप फेक रहे मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो वहाँ पे आप 3 डिजिट छोड़ के देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा कितना लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसके बाद ही आप भरिएगा। इस तरह से आप भर सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, तो अगले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो जय हिंद।